ये बिटकॉइन है क्या और कैसे काम करता है? What is Bitcoin and how it works? Bitcoin नाम तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा, पर अगर आपको इस टॉपिक पे पूरी जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। What is Bitcoin? Bitcoin एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि रुपीज और डॉलर। बिल्कुल उसी तरह बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन बाकी करेंसी से बहुत ही अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को छू भी नहीं सकते और उसे हम देख भी नहीं सकते। बिटकॉइन को बस ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से इसकी लोकप्रियता बढ़ते ही जा रही है। अब मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। बिटकॉइन का यूज क्यों किया जाता है? इसका सीधा और सिंपल आंसर यह है कि बिटकॉइन का यूज हम ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। बिटकॉइन का यूज हम बिना किसी बैंक या कंपनी के मीडियम के बिना कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू यूज बिटकॉइन? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और उसके लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, वेब बेस्ड वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। और इसमें से किसी भी एक का हम यूज़ करके अकाउंट बना सकते हैं। ये वॉलेट हमें एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कहीं से बिटकॉइन मिल रहा है, तो आपको उस अकाउंट में स्टोर करना होगा और उसके लिए आपको उस यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपको बिटकॉइन के बदले पैसे मिल रहे हैं, तो आप उसे ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए बैंक से पैसे निकलवा सकते हो। मुझे लगता है कि आपको बिटकॉइन की बेसिक नॉलेज तो मिल ही गई होगी, तो अब उसका नफ़ा और नुकसान भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बिटकॉइन। नंबर वन, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फीस बाकी सब जैसे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से बहुत ही कम लगता है। नंबर टू, बिटकॉइन को आप दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी बिना किसी परेशानी के भेज सकते हैं। नंबर थ्री, यहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता जैसे बैंक में किसी प्रॉब्लम के कारण हो जाता है। नंबर फोर, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद होता है और आप ये भी देख सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन इसमें आजकल इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन यूज करने का नुकसान। नंबर वन, बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑथोरिटी, बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसकी वजह से इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जो इसको रिस्की बना देते हैं। नंबर टू, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप सारे बिटकॉइंस खो सकते हैं और आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिटकॉइन कैसे खरीदें? तो अगर आपने मन बना ही लिया है बिटकॉइन का नफ़ा नुकसान देखने के बाद कि आपको बिटकॉइन खरीदना ही है, तो आपको इसे ऑनलाइन ही खरीदना होगा, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और आप बिटकॉइन को वेबसाइट्स की मदद से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बिटकॉइन का सारा खेल समझ आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना। बिटकॉइन के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जय हिंद।